हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज था ट्यूसडे एंड ट्यूसडे को जैसा कि आपको पता है होती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। आज का हमारा ऑप्शन लर्निंग का वीडियो इसी टॉपिक पे है, जैसा कि आपको देख के समझ में आ रहा है। आज का हमारा एक्सपायरी स्पेशल है, आज का हमारा लर्निंग वीडियो, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपायरी स्पेशल फिन निफ्टी स्ट्रैटजी। आपको अगर नहीं पता है, आप इस चैनल पर अगर नए हो, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी लोग जो हैं वो 5 मंथ से जुड़े हुए हैं, ये चैनल हमारा 5 मंथ्स ओल्ड है। बट अगर आप इस चैनल पे नए हो, क्योंकि डेली काफ़ी नए नए लोग भी इस चैनल पे ऐड हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, एक ब्रीफिंग कर देती हूँ मैं। हम अपने लिए एक स्ट्रैटजी यूज़ करते हैं, एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटजी हम यूज़ करते हैं, जिसको हम फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी तीनों में यूज़ करते हैं। ये हमारा मूविंग एवरेज रहता है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज हमारा रहता है। ये बाई के लिए हमारा ये राइजिंग होना चाहिए एंड प्राइस इस तरह से स्विंग के साथ हमारे मूविंग एवरेज पे आना चाहिए एंड यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। इतना सा हमारा एक्सपायरी का स्ट्रैटेजी होता है बाई के लिए। एंड अगर आप शॉर्टिंग करते हो तो इसके लिए ये फॉलिंग होना चाहिए, प्राइस जो है ये स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आना चाहिए विथ अ रेड कैंडल। ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज ये भी होगा, तो यहाँ पे ये हमारा शॉर्ट का सेटअप होता है, राइट। एंड टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स का रहता है। अदर देन एक्सपायरी की भी स्ट्रैटजी है हमारी, बट एक्सपायरी के दिन हम यही यूज़ करते हैं जो मैंने अभी आपको ब्रीफिंग किया। तो अगर आपको इनकेस ये स्ट्रैटजी फ्री तो स्ट्रैटजी आपको डिटेल में जाननी है, ये तो मैंने अभी आपको ब्रीफिंग किया, आपको डिटेल में अगर जाननी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना स्ट्रैटजी वीडियो, आप उसको देख लेना। उसमें मैंने एकदम डिटेल्ड वे में समझाया है स्टेप बाय स्टेप। एंड ये हम रिस्क मैनेजमेंट की शीट भी यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रैटजी के साथ, हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं इससे। तो आप स्ट्रैटजी वाली वीडियो देख के ये शीट हमसे ज़रूर ले लेना, ये हमने आपके लिए ही बना के रखी है। इसमें जो टारगेट 1:2 है इस पर ही हम एग्जिट करते हैं। ये फिन निफ्टी के है, इसमें फार्मूलाज डिफरेंस बस यही है ना, हमारे पास सारी शीट है बैंक निफ्टी की, निफ्टी की, फिन निफ्टी की, सब में डिफरेंस बस इतना ही है, ये लॉट साइज के हिसाब से इसमें फार्मूलाज लगे हुए हैं। तो आपको इसलिए आपके लिए इजी पड़ जाए इसलिए हमने डिफरेंट शीट बना दी है, क्योंकि सबका लॉट साइज डिफरेंट होता है ना, राइट। आपके पास अगर नहीं है ये शीट तो आप हमसे ले लेना एंड स्ट्रैटजी वाली वीडियो भी देख लेना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी। ऐसे मैंने आपको एक ब्रीफिंग कर दिया, इतनी सी हमारी स्ट्रैटजी है, सिंपल स्ट्रैटजी है हमारी। स्ट्राइक प्राइस वगैरह सेलेक्ट करना सब मैंने स्ट्रैटजी वीडियो में बताया, अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। बट उससे पहले ये ट्रेडिंग जर्नल की एक वीडियो है, मस्ट वॉच है, हमारे तरफ से रिकमेंडेड वीडियो है ये, इसको आप ज़रूर देखना। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी एंड वो वीडियो देखने के बाद आप ये शीट हमसे ले लेना। मैं पर्सनली ये एक्सेल शीट पे ही अपने ट्रेडिंग जर्नल को रिकॉर्ड करती हूँ, इसमें जितने भी कॉलम्स हैं सबको कैसे फिल करना है मैंने उस वीडियो में 1 by 1 बताया है। तो आप ज़रूर ले लेना ये वाला जर्नल हमसे एंड फिर आप उसको फिल करके देखो, इसमें चार्ट्स भी अटैच रहता है, आपकी एंट्री का चार्ट, आपके एग्जिट का चार्ट सब अटैच रहता है इसमें। तो आप हमसे ये ज़रूर ले लेना, उसके बाद आप चाहो तो हमसे ये चेक भी करवा सकते हो, जब आपका ये बन जाए तो मंथ एंड पे आप हमसे भेज के ये चेक भी करवा सकते हो। ये फैसिलिटी भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पे, लेकिन जब तक आप ये जर्नल बनाना सीखोगे नहीं, आप हमें सेंड कैसे करोगे? एंड ट्रेडिंग में देखो इसीलिए हम फेल होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता हम कहाँ पर ट्रेड सही ले रहे हैं, कहाँ पर रॉन्ग ले रहे हैं। तो फटाफट से आप ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना, इसका लिंक में भी आप डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी मैं। तो चलो चलते हैं हम अपने ऑप्शन चेन पे। ये देखो फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन हमने ओपन करके रखा हुआ है। वीडियो के एंड में हम निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखेंगे, क्योंकि काफ़ी हमारे बिगिनर्स भी हैं, बट पहले हम फिन निफ्टी का देखते हैं कैसा रहा हमारा आज का मार्केट, एक्सपायरी पे हमारे स्ट्रैटजी में कौन से ट्रेड्स आए कौन से नहीं आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 देखते हैं। आज तो काफ़ी वन साइड मूव वाला मार्केट दिख रहा है फिन निफ्टी में मुझे। देखो लाइव मार्केट में जैसा दिखेगा हम वहीं से चलते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ इस वाले कैंडल पे, राइट। बहुत सिंपल स्ट्रैटजी है हमारी, आप देखोगे ना आपको समझ में आएगा। और ट्रेड्स भी जो आते हैं ना यहाँ पे देखो, एक हमारा मैं ऐसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिखा रही हूँ, ये वाला ट्रेड देखो कितना ब्यूटीफुल चला था, ये वाला जो ट्रेड आया था लाइव मार्केट में देखो आपको ऐसा ही दिखेगा। देखो हमारा मूविंग एवरेज क्लियर राइजिंग है, राइट। ये देखो क्लियर राइजिंग है, प्राइस जो है अच्छे से स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आता है एंड यहाँ पर एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है। ये इतना ही तो है ना हमारा सेटअप, यही तो है, बस यही तो हमारा ड्राइंग है सेटअप का। तो इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, इसी को प्रैक्टिस करनी है। हम अब आज के एनालिसिस पे चलते हैं। चलो
ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया कि आपको अगर करना हो प्रैक्टिस तो आपको ऐसे ही चार्ट्स पे मार्क करना है। सो ये देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद आगे चल रहे। यहाँ पे देखो अगर ये थोड़ा ऊपर जाता तो हमें ट्रेड मिलता, बट हमें कोई ट्रेड मिला नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस आया मूविंग एवरेज पे, बट यहाँ पे बहुत छोटी सी कैंडल है। आपको लाइव मार्केट में देखो ऐसा ही दिखेगा, आप लोग बोलते हो लाइव मार्केट में मैम दिखाओ, तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा लाइव मार्केट में। एंड प्लस वन मोर थिंग, ये देखो एक रेंज में ही मूव करके मूविंग एवरेज पे गया है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देन ये देखो अपसाइड फिर ये चला गया, यहाँ पे रेड कैंडल बनी नहीं तो हमारा यहाँ पे ट्रेड सेटअप बना ही नहीं। उसके बाद देखो ये भी मूविंग एवरेज से दूर है लाइव मार्केट में, ये भी आपको ऐसा दिखेगा, ये भी दूर है मूविंग एवरेज से। तो बेसिकली आज वन साइड मूव आया बट हमारे सेटअप पे कोई ट्रेड नहीं आया, तो आज हमारे लिए नो ट्रेड डे था। एंड यही आपको करना बहुत मुश्किल लगता होगा, आपको विदाउट ट्रेड किए हुए रहना बहुत मुश्किल लगता होगा, बट अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हो तो ट्रस्ट मी आपको फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक सकता है। बस आपको इसी पे कंट्रोल करना है, अपने सेटअप पे आए तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। चलो पुट साइड देखते हैं, पुट साइड तो काफ़ी साइडवेज मार्केट दिख रहा है। ये देखो पुट साइड अगर आप इस तरह बिग कैंडल के हाई लो पे अगर आप मार्क कर दो, ये देखो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है पहले भी, ये साइडवेज, ये गैप डाउन नहीं था, ये बिग रेड बनी थी, गैप डाउन नहीं था बट फिर भी बिग रेड बनी, तो इस पर आपने हाई लो पे मार्क कर दिया। उसके बाद देखो जब भी प्राइस जो है इसके अंदर रहे तो आपको बाई के ट्रेड्स नहीं लेने हैं। तो चलो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि आज गैप डाउन नहीं था ना, इसलिए चलो इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखो एक हमें शॉर्ट का सेटअप मिला, इस वाले कैंडल पे हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हैमर है, हम वेट करेंगे एक और कैंडल का। तो इस पे देखो हमें शॉर्ट का सेटअप मिला, ये हमारी एंट्री ट्रिगर हुई। एंड ये देखो कितना ब्यूटीफुल वन साइड मूव मिला है, ये एक ट्रेड हमारा आया, ये वाला ट्रेड हमारा नहीं अच्छा ट्रेड है क्योंकि देखो एक ही रेंज में मूव करते हुए गया है, ऐसा नहीं चल गया तो मैं बोलूँगी ये देखो कितना अच्छा ट्रेड है, नॉट एट ऑल। ये वाला हमारा अच्छा सेटअप है, फर्स्ट वाला जो मैंने मार्क किया ये अच्छा सेटअप है। उसके बाद देखो ये अब नॉर्मल मूव 12 बजे के करीब में आया, इतना अब नॉर्मल मूव आया, ये एक रुपये वाला देखो 10 रुपीज़ चला गया। सो ये सारे फिन निफ्टी में अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करोगे ना, तो यही सब आपको अब नॉर्मल मूव्स थोड़े आते हैं तो आपको कंट्रोल करना होगा। स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगा के ट्रेड करना है, चाहे वो फिन निफ्टी हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, आपको विदाउट स्टॉप लॉस तो कभी ट्रेड करना ही नहीं है। उसके बाद देखो फिर कोई ट्रेड नहीं आया, तो एक हमें पुट साइड में मिला जो अच्छा चला हमारा। चलो अब हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में तो आज एक्सपायरी नहीं थी तो हम 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज दोनों पे देखेंगे, राइट। तो आई होप आप लोगों ने ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया होगा, अगर अभी भी आपने ट्रेड नहीं लेना स्टार्ट किया है तो मैं बोलूँगी एक लॉट से ट्रेड लेना ज़रूर स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे ना आपको रियल कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा। आप लाख पेपर ट्रेड कर लो आपको कभी रियल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड ये शीट जो हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, ये आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट जो है वो ऑटोमेट हो सके एंड आप उसको फॉलो कर सको बहुत ही ईजी वे में एंड सिंपल वे में, क्योंकि जब कुछ ईजी होता है ना फॉलो करना तब हम उसको कर पाते हैं, अगर हम बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो हम उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं फिर, राइट। चलो अब हम निफ्टी में फटाफट से देखते हैं निफ्टी में कैसा रहा मार्केट आज, तो निफ्टी में भी ट्रेड्स आए होंगे क्योंकि वन साइड मूव था। चलो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मार्केट हमारा ओपन हुआ, उसके बाद इस वाले कैंडल पे हमें एक ट्रेड आया, बट दिस इज़ नॉट ए क्लास सेटअप। कितने लोग बताएंगे ये ए क्लास सेटअप क्यों नहीं था, ये वाला जो हमें ट्रेड मिला, वीडियो को पॉज करके बताओ क्यों ए क्लास सेटअप नहीं था। ए क्लास सेटअप इसलिए नहीं था क्योंकि ये देखो एक रेंज में मूव करते हुए वे ही गया है मूविंग एवरेज पे। कोई अगर चल गया ट्रेड तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये देखो कितना अच्छा सेटअप था, कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। ये 19-20 वाला सेटअप था, एक रेंज में मूव करके मूविंग एवरेज पे गया था प्राइस। देन यहाँ पे जो सेटअप आया ये अच्छा सेटअप था, ये वाला जो सेटअप था देखो प्राइस डिफरेंस देखो आपको, ये स्विंग के साथ गया है, राइट। एंड ये देखो एक ही रेंज में मूव करते हुए गया, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो आपको हमेशा ये ड्राइंग याद रखनी है जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके मैं दिखा रही हूँ, ऐसे आपके प्राइस जो है स्विंग मतलब लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मूविंग एवरेज पे जाए एंड यहाँ पे रेड कैंडल बने, आपको ये वाली ड्राइंग याद रखनी है। आपको ये वाली ड्राइंग नहीं याद रखनी है, प्राइस जो है एक ही रेंज में मूव करते करते मूविंग एवरेज पे जाए, इस तरह का अगर ड्राइंग बने सेकेंड वाला जो मैंने अभी आपको बनाया है, तो ये वाला आपको नहीं ट्रेड करना है, राइट। तो इतना आप रिकॉग्नाइज कब कर पाओगे, ये आपका 149
154, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, चलो कोई नहीं, उसके बाद आपकी री एंट्री होती यहाँ पे एंड फिर वो देखो कितना ब्यूटीफुली चला आपका री एंट्री होने के बाद। सो आपको ये कब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये जो मैंने ड्राइंग्स बनाए हैं, जब आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स पे आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, राइट। उसके बाद देखो एक ट्रेड यहाँ पे आया आपका, देखो लाइव मार्केट में ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पे एक ट्रेड आया वो भी आपका देखो बहुत अच्छा चला, बट ये 145 का ट्रेड है। हाँ ठीक है, इतने लेट है तो हम ट्रेड लेते ही हैं, 210 के बाद हम ट्रेड नहीं लेते हैं, वही मैं टाइम चेक कर रही थी। तो आज बेसिकली निफ्टी में भी वन साइड आपको एकदम मूव मिला, वन साइड फॉल आया निफ्टी में, तो अच्छा डे था, 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे अच्छा डे था आज के लिए। चलो हम पुट साइड देखते हैं, देन हम 50 पे देखेंगे। तो आप लोग ट्रेड लेना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आज तो बायर्स का भी डे था, ओ माय गॉड, आज तो बायर्स के लिए भी बहुत अच्छा पैसा बना होगा अगर आपने प्रॉपरली आपने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया होगा। तो ये देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखो एक शॉर्ट का ट्रेड आया, ये वाला जो शॉर्ट का ट्रेड आया ये आपका बिल्कुल वन साइड चला, उसके बाद फिर यहाँ पे एक देखो शॉर्ट का ट्रेड आया सेकंड, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल बाई का ट्रेड आया आपको, मैं दिखाती हूँ आपको कैसा दिखेगा लाइव मार्केट में, ये देखो ये आपको काफी छोटा आपका कैंडल है, इतने रेड रेड के सामने काफ़ी छोटा कैंडल है, तो हम वेट करेंगे कि बिग कैंडल मिले। तो यहाँ पे देखो बहुत ही बिग कैंडल मिली आपके, अगर रिस्क में बैठे तो आप इस पर ट्रेड ले सकते थे, एंड ये आपका बिल्कुल ब्यूटीफुली चला, देखो 1:2 अचीव हुआ आपका इसमें। सो इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी तो हमारी बहुत सिंपल है, बट द थिंग इज कि जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको हम कितने प्रॉपरली हम ट्रेड कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो आप वेदर आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करो या 50 यूज़ करो, डजेंट मैटर, आपको एक फॉलो करना है, एंड जब भी आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे आपको डरना नहीं है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है, मतलब आपको वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब करना है, एंड ये आप तभी कर पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे अपने चार्ट्स पे, अदरवाइज जब आपको ट्रेड आएंगे ना तो आप कन्फ्यूज होते रहोगे यहाँ पे लें या नहीं लें। सो 50 पे देखो कोई ट्रेड नहीं आया आज, प्राइस जो है 50 मूविंग एवरेज पे गया ही नहीं आज, 20 से ही वो बार बार लौट जा रहा था, बट आपने देखा ना 20 मूविंग एवरेज को कितना ब्यूटीफुली जो है प्राइस हमारा रिस्पेक्ट करता है, वो मैंने अभी आपको दिखाया चार्ट पे, प्राइस जो जब भी आता है नीचे तो वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो आप लोग भी ट्रेड करो, क्योंकि जब तक रियल ट्रेड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा अगर आप रियल ट्रेड नहीं करोगे। तो ये देखो दूर था सिंपल मूविंग एवरेज से, ये 50 से दूर था, तो ये आपका ट्रेड सेटअप नहीं है। 50 पे आपको पुट साइड भी आज कोई सेटअप नहीं मिला, कॉल साइड भी कोई सेटअप नहीं मिला, बट आज 20 वालों का डे था, अगर आपको 20 मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो आज आपका डे था। सो डन फॉर द डे, ये था हमारा आज का फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल लर्निंग वीडियो। आपके पास ये दोनों शीट्स नहीं है तो कमेंट करना, अभी कभी कमेंट करो, हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे, डेली हम काफ़ी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो मस्ट वॉच है, इसको देख के आज से ही अपने ट्रेड्स ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट करो, ताकि आप मंथ एंड पे हमें भेज सको चेक करने के लिए। एंड मैं एकदम 100% आपको बोल रही हूँ, ट्रस्ट करना, आपको ये फ्री में ये सपोर्ट कोई नहीं प्रोवाइड करेगा कि आपके ट्रेड्स को कोई चेक करके दे आपको फ्री में। तो हम आपको इस चैनल पे जब ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। मैं जान रही हूँ बहुत कम ही लोग सेंड करेंगे, क्योंकि हमारा आलस बीच में आ जाता है, तो आप प्लीज़ अपने आलस को बीच में मत आने देना, आप लोग ट्रेडिंग जर्नल बनाओ एंड मंथ एंड पे आप हमसे भेज सकते हो चेक करवाने के लिए। सो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, आपको समझ में ये नहीं आ रहा है, बट ट्रेडिंग में जनरली लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, उन्हें पता ही नहीं होता है वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, राइट। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल के न्यू लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।